देखिए, कागजात फर्जी हैं या फर्जी नहीं है ये कहने का अख्तियार किसी को नहीं है। क्यों नहीं उंगली उठाया जाए? सीबीआई जिस तरह से काम कर रही है बिहार में, किसके एजेंट के रूप में, किसके एजेंसी के रूप में काम कर रही है, अब ये कोई चर्चा का और विमर्श का विषय बचा ही क्या इस मुल्क में? आप सोचिए कि आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़। अभी हम जदयू के प्रदेश कार्यालय में हैं, जहां जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा जी हैं और परिमल कुमार जी। तो आइए अंजुम आरा जी से बात करते हैं। मैम, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी एक ट्वीट में उन्होंने ललन सिंह जी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि शुरू से लेकर आज तक जब चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए उसके लिए भी कागजात यही उपलब्ध कराए थे, यहाँ तक कि IRCTC का जो मामला चल रहा है जमीन के बदले नौकरी, इस मामले में भी कागजात यही दाखिल करवाए थे और आज CBI पर उंगली उठा रहे हैं, तो ये या तो कह दे कि ये साफ निर्दोष हैं और वो सारे कागजात फर्जी थे, नहीं तो ये इस तरह से उंगली क्यों उठा रहे हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, कागजात फर्जी हैं या फर्जी नहीं है ये कहने का अख्तियार किसी को नहीं है। मैटर सब जुडिश है। IRCTC जो स्कैम है उसके मामले जो हैं वो सब जुडिश है, न्यायालय में वो हैं, चार्जशीट उसमें सबमिट है, न्यायालय जो अब उसको ट्रायल करेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 8 वर्ष हो गए BJP को केंद्र में सरकार में आए हुए और 8 वर्ष हो गए अभी तक उसमें ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ये किस कॉन्स्पिरेसी के तहत रहा है ऐसा मामला, ये हम लोग के समझ के परे की चीज़ है। और किसी भी डॉक्यूमेंट को फर्जी है या नहीं है, उस डॉक्यूमेंट की रिलेवेंसी क्या है, और मैटर जब सब जूडिस है, बिफोर द बेंच है, बिफोर द कोर्ट है, तो ये कहने का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को, एग्जामिन करने का अख्तियार कोर्ट को है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को। जैसे ये CBI पर जो मामला उंगली उठा रहे हैं उस पर उनका कहना है, क्यों नहीं उंगली उठाया जाए? CBI जिस तरह से काम कर रही है बिहार में, किसके एजेंट के रूप में, किसके एजेंसी के रूप में काम कर रही है, अब ये कोई चर्चा का और विमर्श का विषय बचा ही क्या इस मुल्क में? आप सोचिए कि बिहार की धरती जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ पे जिस दिन यहाँ पे बहुमत का परीक्षण हो रहा था उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर CBI जो है यहाँ शक्ति परीक्षण करती है। आप देख लीजिए, जहाँ एक तरफ जो है हमारी सरकार, हमारी गठबंधन डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हुए फ्लोर टेस्ट में वो जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अधीन नायकवादी लोग CBI जो कि एक स्टैचूटरी बॉडी है, वैधानिक संस्था, उसका इस्तेमाल करके यहाँ शक्ति परीक्षण करवा रहे हैं। हमारा पॉइंट आउट या हमारा कंटेंशन जो है CBI को लेकर के नहीं है, बल्कि जिस तरह से वो काम कर रही है उसकी टाइमिंग को देख लीजिए। और क्या वजह है कि जहाँ पे आप देख लीजिए बिहार, झारखंड और इन सारी जगहों पे CBI रेड डालती है, क्यों महाराष्ट्र में जिस तरह से इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करके चुनी हुई सरकार को जिस तरह से खंडित विखंडित करके वहाँ पर उन लोगों ने अपना सरकार बनाया है, क्यों उस सरकार में आपको पता होना चाहिए कि 20 से ज़्यादा उसमें भ्रष्टाचारी मंत्री बने हुए, क्यों उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? इसके अलावा इस मुल्क में हजारों हजार करोड़ रुपए के घोटाले हुए, तो ललित मोदी, नीरव मोदी, कौन घोटाला 24,000 का घोटाला, इनका क्या होगा? इनको CBI क्यों नहीं पॉइंट आउट करती? इनके ऊपर CBI रेड क्यों नहीं डालती? इसलिए कि इनके आका का हुक्म नहीं आया रहता है। सीधी सी बात है, हमारा CBI ED पे क्वेश्चन नहीं, लेकिन वो जिस तरह से काम कर रही है उस पर निश्चित रूप से क्वेश्चन ही नहीं, बल्कि भारी विरोध इस बात का हम बिहारियों को है।